कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा। वही विश्वास एनडीए की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नाम नहीं हाँ होती है, वो जिस बात को अस्वीकार करें मानिए कि उनको वही चीज चाहिए होती है, तो उनको विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व करने की लालसा उनके मन में सबसे प्रबलता से। इस पर हम क्या बोलेंगे, इसमें तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सोचिए मेरे मुख्यमंत्री पे अविश्वास कितना है। एक मुलाकात उनके पाला बदलने की सोच को जाहिर करती है। कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी एक तस्वीर उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा कर दे कि क्या मुख्यमंत्री फिर से पाला बदलेंगे? ये पलटू राम, भाई मैंने नहीं कहा, उन्हीं के ही गठबंधन दल के साथी पलटू राम का टैग उनको दिए थे, आज जिनके साथ वो सरकार में, ये पलटू राम जो उनके नाम के साथ, उनकी इमेज के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया, ये मुख्यमंत्री के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त से इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर सके। ऐसे में वो पुनः पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे मुझे नहीं पता, पर बिहार की जनता वो किसी भी गठबंधन के साथ है, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, उनको नहीं स्वीकारेगी। यह स्थिति में अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं या बिहार को चुनाव में लेकर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यकीनन लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। बैठक में गए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि हो सकता है वो बीजेपी के साथ फिर आ जाए, क्या कहेंगे इस पर मोदी जी? भाई इस पर हम क्या बोलेंगे, इसको तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सोचिए मेरे मुख्यमंत्री पे अविश्वास कितना है। एक मुलाकात उनके पाला बदलने की सोच को जाहिर करती है। कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी एक तस्वीर उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा कर दे? ये बिहार का दुर्भाग्य है, जहां आज चर्चा मुख्यमंत्री की योजनाओं पर होनी चाहिए, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने क्या किया नहीं किया इस पर होनी चाहिए, पिछले 5 सालों में उनकी भूमिका क्या रही उस पर होनी चाहिए, 18 सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया नहीं किया इस पर होनी चाहिए। तो चर्चा एक तस्वीर से इस बात पर उठ जाती है कि क्या मुख्यमंत्री फिर से पाला बदलेंगे? ये पलटू राम, भाई मैंने नहीं कहा, उन्हीं के ही गठबंधन दल के साथी पलटू राम का टैग उनको दिए थे, आज जिनके साथ वो सरकार में, ये पलटू राम जो उनके नाम के साथ, उनकी इमेज के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया, ये मुख्यमंत्री के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में वो पुनः पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे मुझे नहीं पता, पर बिहार की जनता वो किसी भी गठबंधन के साथ है, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, उनको नहीं स्वीकारेगी, ये तय है। भाई किसी भी धर्म की कुरीतियों में आप चर्चा करें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी धर्म को ही नकार देना ये पूर्णतः गलत है। जब हम लोगों ने अल्पसंख्यकों में, जब मुसलमानों की बात की, हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को लेकर हम लोगों ने चर्चा की, ऐसे ही समय समय पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर भी कुरीतियों पर चर्चा हुई है, सती प्रथा को लेकर हो, समाज की अलग अलग छुआछूत की प्रथा को लेकर हो, हर कुरीतियों पर चर्चा हुई है। मैं खुद खुले मन से मैं चर्चा करता हूँ कि जातीय परंपराओं को हटाना चाहिए। बिहार का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो इस जातीय व्यवस्था ने ही किया है। आप कुरीतियों पर चर्चा करें पर किसी धर्म को पूर्णतः नकारना या धर्म को मानने से या उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना ये पूर्णतः गलत है, इसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। G20 की बैठक को बेकार बता रहे विपक्ष के नेता, पिछले 4 दशक से डिवाइड की पॉलिटिक्स चल रही है, भाई समीकरण, उसके बाद लोगों समीकरण, अब चिराग पासवान आते हैं जो कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्या बिहार की जो
भाई मेरी ताकत आज की तारीख में मुझे लगता है हमारे देश के युवा, हमारे प्रदेश की युवा और महिलाएं जिस मजबूती से जात पात धर्म मजहब से उठकर प्रदेश की महिलाएं और युवा बिहार पर बिहारी पास का साथ दे रहे हैं। मैं अपने तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जाकर देखें मेरी सभाएं में, क्या आपको किसी जाति के, किसी जाति विशेष के ही लोग दिखते हैं या किसी धर्म विशेष के लोग दिखते हैं? आपको हर जात पात धर्म मजहब से जुड़े हुए लोग मेरी सभाओं में, मेरी यात्राओं में आपको दिखेंगे। और यही सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की है। मैं जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं, मैं किसी जाति की नहीं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं हर बिहारी की बात करता हूं जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। और ऐसे में वही प्यार, वही सम्मान और वही जुड़ाव मुझे बिहार की जनता से भी देखने को मिल रहा है। तो यकीनन ये सोच जात पात से उठकर सरकार हो रही है। बिहार के 13 करोड़ बिहारी पहली बार विकास के मॉडल पर, विकास के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अगर उनके परिवार इलाज से मिलना चाहेंगे तो दिल्ली में मुलाकात होगी कि बिहार में मुलाकात? भाई उनके परिवार के संपर्क में मैं हूँ और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहाँ पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूँगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुँचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुँचे, ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म पर फिर से विवादित बयान दिया है। एक मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई करने के, हम सभी दल तैयार हैं सनातन धर्म के खिलाफ लड़ने। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदय निधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है? क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है, जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्ष पर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे, जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंडारदार वो लोग करेंगे, उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे, पर ऐसी ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहां पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल है इनकी सोच है सनातन के खिलाफ, इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर
आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी, तीन तीन बैठकें हो गई इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया, साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई, और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए, अलग अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, मायावती जी, खैर मायावती जी तो खैर अब उनसे दूरी को बना रही है, आपके समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे अलग अलग दल हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ रही है। तो ऐसे में जब सबसे पहले इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये लोग धर्म पे चर्चा करें, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति करना, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, यही इनकी सोच है, और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है, और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से, ना देश का युवा आज की तारीख में जातियों को मानता है, ना उसको किसी धर्म की पड़ी, उसको अपनी बेहतर शिक्षा, अपने बेहतर रोजगार की चिंता, बिहार के युवा को पलायन कैसे रुके इस बात की चिंता, दूसरे प्रदेशों में जाकर जिस परिस्थितियों में वो जीने के लिए मजबूर है, अपने प्रदेश में कैसे उनको सुख सुविधा मिले, इस बात की चिंता बिहार का युवा करता है। तो ऐसे में जिस सोच के साथ ये विपक्षी दलों का गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।